नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप कुमार, मैं सुल्तानपुर जिले की बल्दीरा ब्लॉक के देवरा गांव का निवासी हूं। किसान साथियों, यहां पर हमने कुछ वैरायटी के नर्सरी तैयार की हैं, लगाए हैं, उसको दिखाना चाहते हैं कौन कौन सी वैरायटी है और किस तरह से इसमें अंकुरण होता है और किस तरह से इसको हम नर्सरी को लगाते हैं। तो सबसे पहले हम अपने जो पौधे को लगाए हैं उसको दिखाना चाहते हैं किस तरह से उसमें कितने दिनों में अंकुरण शुरू हो गया है। तो ये देखिए, ये है नरेन 260 प्रजाति का है। अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, मुश्किल से 7 दिन के लगभग हो गया है। तो यहाँ देखिए, ये देखिए, यहाँ देखिए, ये इतने बड़े कल्ले हो गए हैं, ये और ये कल्ला, ये वाला कल्ला, ये नहीं, ये वाला कल्ला इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि इसमें लगा हुआ था कल्ला, हमने तोड़ा नहीं था, इतना बड़ा था, तो वो बढ़ करके इतना बड़ा हो गया है। और ये वैरायटी है नरेन 260 और ये वैरायटी है पंजाब वन, ये है पंजाब वन और ये वैरायटी है नरेन 602। और आगे हम दिखाना चाहते हैं, ये वैरायटी है नरेंद्र 307, ये नरेंद्र 307 की वैरायटी है। अभी इसको हमने अभी 1-2 दिन हुआ लगवाए हुए। और ये भी नरेंद्र 260 है, इसमें भी अभी उसके काफ़ी कई दिन बाद लगवाए थे इसलिए अभी इसमें अंकुरण नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं कहीं गांठें हल्का सा खुली दिखाई दे रही हैं। हर गांठ पे एक ही समय पर पौधे में अंकुरण नहीं होता है। तो ये है नरेंद्र 260, ये जो लाइन दिखाई दे रही है पूरी लाइन, ये नरेंद्र 260 का पौधा है। ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए, दिखाना चाहते हैं ये कल्ला निकला हुआ है। ये हर पौधे में एक समय पर ही कल्ला नहीं निकलेगा, किसी किसी पौधे में बहुत पहले निकल आएगा। देखिए, ये कल्ला है, ये दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये खिला हुआ है गांठ, यहाँ से कल्ला निकल रहा है। अब इसमें से भी कल्ला निकलना स्टार्ट हो गया है। इस तरह से हमने 4 से 5 वैरायटी के पौधे को लगाया है। और ये जो लगा हुआ दिखाई दे रहा है, ये नर है, ये नर पौधा है, हमने कुछ तैयार किया है। तो इस प्रकार किसान साथियों, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।